सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीति आयोग में जो टर्म नीति होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है नीति फॉर फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं. इसको एक जनवरी दो हजार पंद्रह में जो है स्टेब्लिश किया गया था ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है अब नीति आयोग जब बना उससे पहले हमारे पास एक कमीशन हुआ करता था जिस कमीशन का नाम था प्लानिंग कमीशन ठीक है प्लानिंग कमीशन सो प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से यह एग्जाम में स्टेटमेंट बहुत बार पूछी गई है अब यहां पर बात आती है कि नीति आयोग जो है इसके चेयरमैन कौन है सो so, नीति आयोग के चेयरमैन मिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं तो ये उनके चेयरमैन हैं एंड उसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इसके वाइस चेयरमैन कौन है तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार जो कि सितंबर 2017 में इसके चेयरमैन बनाए गए थे ओके okay, चेयरमैन नहीं वाइस चेयरमैन बनाए गए थे एंड चेयरमैन परमानेंट ही है दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी जी तो पर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि NTA Paper 1 के स्मार्ट के लिए हम लेकर आए हैं जिसमें दो हजार सेमसीक्यूज हम आपको देते हैं ये एमसीक्यूज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हम आपको देते हैं स्टूडेंट्स so, एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है आप एक से दो बार इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग बहुत इजिली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें आपको अपडेटेड एमसीक्यूज मिलते हैं करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स प्रीवियस ईयर करोटियस एंड मोस्ट रिपीटेड जो डेफिनेटली हर एक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं सो so, स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है वो भी सिर्फ सिक्स डबल नाइन तो आज ही आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इसके साथ ही अब पर बात करते हैं कि नीति आयोग जो, जो है ये एक है ये वाला स्टेटमेंट प्रीवियस क्वेश्चन में एज इट इज आया था कि क्या नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है जितनी भी स्टेटमेंट्स है ये स्टेटमेंट बेस्ड या फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में जरूर आती है

उसमें कौन कौन रहते हैं उसमें हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं एंड गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ पर रहती है ये सबको मिलाकर के ही ये काउंसिल बनाई गई है इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग में बेसिकली दो बॉडीज होती है पहली बॉडी का नाम है टीम इंडिया हब और दूसरी बॉडी का नाम है द नॉलेज एंड इनोवेशन हब Team India किस चीज के 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 लिए लिए, है? है so का जो रहता साथ उसको करने उसकी भागीदारी को और बेहतर बनाने के लिए टीम इंडिया नाम की एक बॉडी इसमें बनाई गई है दूसरी बॉडी है नॉलेज एंड इनोवेशन हब एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन थिंक टैंक जितने भी हैं जितने भी संस्थान संस्थान होते हैं ठीक है उन सभी की स्थापना के लिए थिंक टैंक इसको कैसे हम इस्टिश कर सकते हैं ये सब चीजें यहाँ पर आती हैं इस दूसरे वाले हब के अंदर ओके इसका सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है ये पढ़कर जाइएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है एग्जाम में आ सकते हैं इसमें सबसे पहला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स पर देख सकते हो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ये क्या है ये एक रीसेंट एजेंडा है जो कि नीति आयोग के अंदर रखा गया है एंड इट इंटेंड्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये शुरू में काम करेगा उसके बाद उसको हायर लेवल पर लाया जाएगा सो so, एजेंडा क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इज अंडर दीबल अंट वर्कर्स जो होते हैं जो की अपने प्रवासी श्रमिक जिसको बोलते हैं अपने काम के लिए वो अपनी सिटी से अपने गाँव से दूसरी जगह पर जाकर के काम करते हैं उन सब के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है जो की नीति आयोग के अंदर रहता है क्चरिंग so, जो भी होती है यानी की घरेलू विनिर्माण जो भी होते हैं सरकारी के अंदर जो आते हैं उन सब के सेक्टर्स को लेकर के एक

अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने पीएलआई की बात की थी पीएलआई का ऑब्जेक्टिव क्या है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू टू इंसेंटिवाइज इन्वेस्टर्स इन दिस कंट्री पुट अप ग्लोबली कैपेसिटी इन स्केल एंड कॉम्पिटेटिव सो ये इसका ऑब्जेक्टिव है एंड इसमें काफी एक्सटेंड तक इस सेक्टर में अभी काम भी किया जा रहा है सो so, इवाल की बात करें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को बनाया गया था नीति आयोग में जो संस्कृत वर्ड है ये नीति का मतलब होता है ये एक संस्कृत वर्ड है इसका मतलब होता है मोरालिटी बिहेवियर गाइडेंस ये सब चीजें तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नाम इसका रखा गया था ओके okay, तो नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम सेवन पिलर्स पर सेवन पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस एंड विशेष बाय नीति आयोग ठीक है so सो यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है सेवन पिलर्स को डिटेल में नहीं चाहते हैं सिर्फ नाम पढ़ लीजिए पहला है प्रो पीपल प्रो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इंक्लूजन ऑफ ऑल इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी तो ये सेवन पिलर्स हैं इनको याद रख लीजिए प्रो पीपल का मतलब होता है जन समर्थक ठीक है यानी कि इट फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स प्रो पीपल यानी कि इसमें हर एक अकेले इंसान की या फिर पूरे सोसाइटी की जितनी भी जरूरतें हैं जितनी भी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के बारे में बात की जाती है दूसरा फिर इस तरह से आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है प्रोएक्टिव इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू सिटीजन नीड्स जो भी चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हो भागीदारी में आता है जितने भी सिटीजन हैं अपनी कंट्री के उन सभी की इसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर इसमें माना गया है जो थर्ड नंबर पर है क्योंकि अगर सिटीजन ही किसी स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्कीम को नहीं समझ पाते नहीं पसंद करते तो वो स्कीम कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती उसके गोल्स कभी भी अचीव नहीं हो सकते तो ये पार्टिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले करता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पर जाने से पहले यूजीसी नेट पेपर टू का स्टडी मटेरियल आप लोग देख लीजिए ये स्टडी मटेरियल यूजीसी नेट के डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इसमें आपको स्टडी पेपर टू के फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड नोट्स मिलेंगे देखिए एंड इन नंबर पर आप इजिली कॉन्टेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड स्टूडेंट इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है वो भी सिर्फ बारह सो अस्सी रुपए एंड आप इंटरव्यू प्रोसेस में भी ये स्टडी मटेरियल आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मदद करेगा इसी के साथ स्टूडेंट्स अब देखो क्वेश्चन है ये एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स तो कौन सी वो संस्था है जिन्होंने कृषि विपणन और फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म्स को इसका जो इंडेक्स है उसको जारी किया सा, किया था तो करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग पोस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दैट इज MPI रिपोर्ट व्हिच हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी अमंग इट्स पॉपुलेशन सो जब भी देखो नीति आयोग के अंदर हम ना बहुत पुराने डाटा की भी अगर बात करते हैं पॉपुलेशन पॉवर्टी रेट का हाईएस्ट लेवल की अगर बात हो रही हो तो हमेशा वहाँ पर ऑप्शन में बिहार आता ही आता है ठीक है सो इस तरह से आप थोड़े से ट्रिक्स भी लगा सकते हो अगर आपको आंसर नहीं आता है अब हम बात करते हैं नीति आयोग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की इसको ध्यान से सुन लीजिएगा फटाफट से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ बताने वाली हूँ

तो पूरे कंट्री को अगर कोई एजेंडा कोई टारगेट को पूरा करना है तो नीति आयोग के अंदर ये बोला गया कि वो पहले स्टेट वाइज कुछ छोटे छोटे से टारगेट्स रखेंगे उन टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे अचीव करेंगे एंड फिर उन सबको मिलाकर के ओवरऑल नेशन हमारा कवर हो जाएगा तो इसी के लिए वो सेवन पिलर्स यहाँ पर बनाए गए थे ताकि हर एक स्टेट अच्छे से इसमें भागीदार बन सके दूसरा यहाँ पर आता है टू कंस्ट्रक्ट मेथड्स टू फॉर्मुलेट अ रिलायबल स्ट्रेटेजी एट द विलेज लेवल इसमें क्या बोला है इसमें विलेज लेवल पर हम काम करेंगे प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ के छोटे -छोटे रखेंगे, इनको करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा एक बड़ा टाउन कवर हो जाएगा ऐसे ही छोटे छोटे टाउन को कवर करेंगे तो पूरा एक स्टेट कवर हो जाएगा स्टेट को कवर करते रहेंगे तो इसी तरह से नेशनल एजेंडा को कवर कर देंगे ये एक स्कीम इस तरह से बनाई गई है कि डायरेक्टली हम पूरे नेशन पे उसको अप्लाई नहीं करेंगे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे छोटे छोटे लेवल से शुरू करेंगे एंड फिर उनको एग्रीगेट करते चलेंगे एंड हमारा जो अचीव हमारे जो भी गोल्स हैं वो हम अचीव करते रहेंगे इसका मेजर फोकस टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काफी ज्यादा रहा है जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक है इसके अलावा नीति आयोग में अब देखो नीति आयोग किन चीजों से मिलकर बना है ये भी आता है पहले तो इसमें है हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा इसमें गवर्निंग काउंसिल्स हैं जिसमें सभी स्टेट्स के आपको चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स मिल जाते हैं उसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज आ जाती है वो होता है रीजनल काउंसिल्स उस पर्टिकुलर एरिया की जितने भी सीनियर्स होते हैं जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं देन वी हैव स्पेशल इनविटीज स्पेशल इन्विटीज में आ जाते हैं कुछ स्पेशल लोग जिनको उस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज है स्पेशलिस्ट जो होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के अंदर उनको इसमें ऐड किया जाता है ठीक है इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ मेंबर्स फुल टाइम भी होते हैं कुछ मेंबर्स पार्ट टाइम भी होते हैं तो इन सबको मिला करके एक ये पूरा बनाया गया है एक चीज इसमें आ जाती है सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये क्या है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं एंड इनका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक पर इनको माना जाता है जो भी नीति आयोग के सीईओ है इनका भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहता है ओके सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपको पसंद आया है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी इसके अलावा अगर कोई और सेशन आप चाहते हो एग्जाम से पहले मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी बस टॉपिक का नाम मुझे कॉमेंट कर दीजिए सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट